धरती सबकी माँ है हो, ये धरती सबकी माँ है, इससे आन बान और शान है हो। इसके ही बलबूते पर इछलाता हर किसान है। धन दान देती है ये, बदले में कुछ ना लेती ये। धन दान देती है ये, बदले में कुछ ना लेती ये। सबके जीवन का मूल है हो, सबके जीवन का मूल है। इस धरती की गोद में, धरती की गोद में, धरती की गोद में, धरती की गोद में। अब हम और उससे कुछ नहीं कहेंगे। देखिए चौधरी साहब, शेखर आपका छोटा भाई है, आप सहेंगे, आप दबेंगे, बाकियों का तो कुछ नहीं लगता है ना, वो क्यों बर्दाश्त करेंगे? सांप की दुम पर अगर कोई पैर रख दे तो सांप काटे बिना नहीं रहता है। बहुत सहन कर लिए आपके भाई को। जिस दिन हमारे माथे पर बुखार चढ़ गया ना, तो शेखर चौधरी का अता पता नहीं मिलेगा, लापता हो जाएगा। फिर मत कहिएगा कि तिवारी जी कुछ भी करने से पहले पूछ तो लिया होता। तिवारी जी मत भूलिए कि आप इस समय हमारी ड्यूटी पर खड़े हैं। बोलने से पहले सोचिए, उसके बाद बोलिए। ऐसा ना हो कि हमारे लिए आपका लिहाज कर पाना मुश्किल हो जाए। बहुत सोच लिया चौधरी साहब, बहुत दबे लफ्जों में आपसे बात कर लिया। अब मैं आपको चेतावनी देता हूं, संभाल सकते हो तो संभाल लो अपने भाई को, वरना गाजर मूरी की तरह काट कर फेंक दूंगा। तिवारी, ऐसा आदमी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जिसने हमें धमकी दी। अच्छा यही होगा कि इस समय तुम यहां से चले जाओ। जय राम जी की। गुनाह हो गया ना, क्या समझ क्या रखा है तुमने मुझे? देखो बांसुरी, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो तुमसे मुझसे क्या क्या समझते हो तुम अपने आप को? एक आपकी बिगड़ी हुई औलाद हो, जो कि हर लड़की के साथ फ्लर्ट करना अपना अधिकार समझता है ना? अरे ये सब तुम क्या बोल रही हो, मैं तो मेरे लिए भी तुमने यही सोचा होगा ना कि थोड़े दिन साथ में घूमेंगे फिरेंगे और बस अच्छा टाइम पास हो जाएगा, जब जी भर जाएगा तो इसे डिस्कार्ड करके कोई और ढूंढ लेंगे, है ना अनिल? लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। अगर अगली बार तुमने मुझसे मिलने की या मुझसे बात करने की कोशिश की ना, तो मैं ये तुम्हारा फोन कॉरिडोर में पड़ा हुआ था, ये तुम्हें देने के लिए मैं इतनी देर से तुम्हारे यहाँ पे इंतजार कर रहा था। तिवारी के साथ किस बात पर झगड़ा हो रहा था? बहुत जोर जोर से बात करने की आवाजें आ रही थी। उसका दिमाग खराब हो गया, वो हमें धमका रही।
क्या कह रहे हैं आप? किस बात पर धमकी दे रहा था? वही पुराना राग, शेखर की बात। वो कह रहा था कि उस पर लगाम कसो, वरना उसे गाजर मूली की तरह काट कर फेंक देगा। तिवारी की इतनी हिम्मत कैसे हुई? आपके सामने अनाप शनाप बात करके चला गया वो? तुम परेशान मत हो, ये सब उसकी गीदड़ भभकी है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि शेखर की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। जानता है कि शेखर किसका भाई है। सब आपका दोष है, नहीं उसे इतना सर चढ़ा के रखा है। वरना किसी की मजाल जो आपके सामने ऊंचे स्वर में बोल सके। इसीलिए मैं कहती थी, भाइयों के आपसी मसले में किसी बाहर वालों को बोलने का मौका मत दीजिए। अब देखिए, हमारे ही घर में खड़े होकर हमारे ही छोटे भाई को उल्टा सीधा बोलकर चला गया। अब छोड़ो भी, हमें इस बारे में कोई बात नहीं। मुझे पहले दिन से ही आदमी पसंद नहीं था। आपने ही चंचल और विक्रम का रिश्ता तय कर दिया। अब तो आपको समझ में आ रहा है ना, ये तिवारी किस स्तर का इंसान है। ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं बनाया जाता। इससे पहले कि बात कहीं की कहीं पहुंच जाए, आप ये रिश्ता तोड़ दीजिए। तो आज अचानक ये आइसक्रीम ट्रीट क्यों? ये सॉरी ट्रीट है। सॉरी किस बात के लिए? वो सुबह नाश्ते की टेबल पे दिनेश सर को लेके बोला ना, तो सोनिया जो बात मेरे मतलब की नहीं होती है ना, उसे मैं याद ही नहीं रखती। That's like a good sis. मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगे। अरे छोड़ो, तुम्हें पता है आज कॉलेज में क्या हुआ? वो ना अनिल नाम का लड़का, वो ना आज क्लास के बाहर खड़ा होकर मेरा वेट कर रहा था। मैं गई और मैंने उसे खूब सुना दिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक्चुअली मेरा मोबाइल फोन वापस करने के लिए खड़ा था। कॉरिडोर में कहीं मेरा फोन गिर गया था। मुझे बहुत बुरा लगा कि बिना सोचे समझे मैंने पता नहीं उसे क्या क्या सुना दिया। लेकिन पता है अब मुझे क्या लग रहा है कि ना, मैंने उस लड़के को लेकर अपने दिमाग में कोई इमेज बना ली है, और इसीलिए मुझे उसकी हर बात बुरी लगती है। पर शायद वो इतना बुरा लड़का भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? बांसुरी, ये जो अनिल जैसे लड़के होते ना, ये बड़े चालाक होते हैं। उसे पता चल गया कि तुम थोड़ी सॉफ्ट टाइप की हो, तो वो तुमसे आसानी से दोस्ती कर लेगा। धरती की गोद में जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। धरती की गोद में। और इस बार तो बाई चांस तुम्हारा फोन उसके हाथ लगा। अगर ये ट्रिक काम कर गई ना, तो अगली बार से ना वो तुम्हारी चीजें चुरा के तुम्हें गिफ्ट कर देगा। कॉलेज में इतने सारे लड़के तुम्हारे दोस्त हैं, फिर भी तुम लड़कों पर इतना शक करती हो। मैडम, ये अनिल के लिए बड़ी सिंपथी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अनिल से लव शव हो गया हो? हो गई ना तुम फिर से शुरू। माय गॉड, बांसुरी का दिल अनिल पे, और वहां दिनेश सर बांसुरी को दिल लगा के पढ़ा रहे हैं। वाह, क्या लव ट्रायंगल है ना। अभी बताती हूँ मैं तुम्हें।
भाई है। हाँ बेटा, वही तो निकालने गया था, पर अब पता चल रहा है कुछ गड़बड़ हो गई। किससे कहा सुनी हो गई आपकी? नरेश चौधरी से झगड़ा हो गया है हमारा। क्या कह रहे हैं आप? नरेश चौधरी से कहे झगड़ बैठे आप? अरे भाई, वो शेखर चौधरी हर जगह हम लोगों की खिलाफत करते फिरता है। सरकार में हमारी शिकायत करके हमारी बीड़ी की फैक्ट्री बंद करवाने की नौबत पर लाकर खड़ा कर दिया और गांव के किसानों को भड़काकर उन्हें जमीन बेचने से रुकवा दिया। अब पंचायत पर भी अपने आदमियों को बिठाकर हम सबका भट्टा बैठाना चाहता है। बस यही सब बात हमने नरेश चौधरी से बोला कि संभाल सकते हो तो संभाल लो अपने भाई शेखर चौधरी को, वरना गाजर मूरी की तरह काट कर फेंक दूंगा। बस इतने में नरेश चौधरी भड़क गया। हे भगवान, ये क्या बेवकूफी कर बैठे आप? किसने कहा था आपसे ये सब करने को? क्या कहा? बेवकूफी कर बैठे हम? तुम हमें समझाओगी हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? दादी, दादी, मम्मी चिल, मानो कि मैं उम्र में आप दोनों से छोटी हूँ, पर मुझ में आप दोनों से ज्यादा अक्कर है। मैं नरेश अंकल को यूं पचा लूंगी। बीच में मत कूदो तुम, हम बड़े हैं तुमसे, आपस में सुलटा लेंगे। तुम्हारे डैडी को हमसे और तुमसे ज्यादा समझ है, ये सब कुछ ठीक कर लेंगे। चलिए खाना खाइए। हेलो सोनिया, कैसी है बेटी? हाय डैडी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और वो आपके चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही हैं? बहुत ही अच्छी। हम सब लोग मिलकर पोस्टर्स और बैनर्स बनाते हैं खुद ही, और उम्मीदवार गांव के हर घर में जाकर चंदा इकट्ठा करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि वो हमें ही वोट दें। वाओ डैडी, कितना एक्साइटिंग है ना ये सब, कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस है ये। बहुत ही अच्छा। जानती हो, इस बार गांव का ऐसा माहौल बन गया है कि जो गांव के लोग शहरों में नौकरियां करते हैं वो छुट्टी लेकर गांव आ रहे हैं ताकि वो वोट दे सके और अपने अधिकारों का सही उपयोग कर सके। That's good, Daddy. और एक बात बताइए, आपको तो चुनाव को कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, फिर आप ये सब कैसे मैनेज कर लेते हो? जरूरत इंसान को सब सिखा देती है बेटा। पता है डैडी, आपकी बातें सुन के मेरा मन कर रहा है कि मैं भी वहाँ के देखूँ ये चुनाव कैसे होते हैं। अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हें यहाँ भेजने के लिए राजी है तो आ जाओ। पक्का ना? मतलब आपकी तरफ से हाँ है ना? हाँ भाई, मेरी तरफ से 100% हाँ है। लेकिन हाँ, तुम्हारी मम्मी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। थैंक यू डैडी, ठीक है, बाय बाय बाय। झोकवा में अरे थानेदार साहब, जयराम जी की। अरे इसे कहाँ हो गया? ओ थानेदार साहब, अरे थानेदार साहब, थानेदार साहब, अरे क्या बात है, जीती मक्खी मुंह में घुस गई हो, ऐसा मुंह बनाकर क्यों जा रहे हो भाई? पुराने मरघट की चुड़ैल घुस गई है, तुम निकल लो वरना तुम्हें लपेटे में ले लिया ना तो राम नाम सत होते देर ना लगेगी तुम्हारे। क्या बात है, भाभी जी ने नाश्ता करा कर नहीं भेजा, जो ततैया की तरह डंक पे डंक मारे जा रहे हो। औकात में रहकर मजाक करो लालचंद, वरना हमारी खोपड़ी घूम गई तो ततैया की तरह तुम नाश्ते फिरोगे। अरे का हुआ, का है तब से आग उगल रहे हो? तुम और तुम्हारे तिवारी सेठ के लिए तो अब आग ही निकलेगी। बहुत घमंड दिखाता है ना तुम्हारा वो तिवारी सेठ, पुलिस वाले पर हाथ उठाता है, सरकारी कर्मचारी पर ऑन ड्यूटी हाथ उठाने के जुर्म में
मैं उस कन खजूरे को तभी उठाकर अंदर कर देता। मैं अपने दुश्मन की एक गलती माफ करता हूँ लालचंद। तुम और तुम्हारे तिवारी सेठ पर मेरी नजर 2400 घंटे बनी रहेगी। गलती से भी कोई गलत काम मत कर बैठना, वरना ऐसी दफा लगाकर अंदर करूंगा कि सारी जिंदगी खुली हवा में सांस लेना भूल जाओगे। अरे भैया, तुम अगर किसी भागपुर तिवारी सेठ से नाराज हो तो हमें काहे अंदर घसीट रहे हो? तिवारी के टुकड़ों पे पलने वाले तुम हो क्या चीज? तुम तिवारी के चमचे हो, इसलिए तुम भी नपोगे 12 के भाव। होशियार रहना। धरती की गोद में हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। धरती की गोद में। अरे देखो भैया थानेदार, हमें बिल्कुल पता नहीं था कि तिवारी सेठ ने तुम्हें झापट मारा। अरे भला अपनों के साथ कोई ऐसा सुलूक करता है? माना कि आप अगर नाराज भी हो गए तो उसको डांट लो, फटकार लो, लेकिन ये झापट मारना, नहीं नहीं नहीं, ये बात तो मुझे भी बहुत गलत लगी। पर एक बात बताएं थानेदार साहब, हमारे बड़े ताऊजी कहा करते थे कि दुधारी गाय की लात भली। अरे भैया, जिससे हमें फायदा होता है उसकी एक आध लात पड़ गई तो क्या फर्क पड़ता है? ये तिवारी सेठ चीज है क्या? हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ये तो ATM मशीन है, ये समझ लो आप। बटन दबाया नोट बाहर, बटन दबाया नोट बाहर, ऐसे धपोड़ों का बुरा नहीं मानते, इसे कोरा चेक समझो। जब जी में आया रकम भर लो और कैश निकाल लो। समझे कि नहीं? नहीं। बहुत ना समझे भाई। फुलवा के छोकवा में आयो रे संदेश वाले, चले आज देशवा की ओ। जयराम चौधरी साहब। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। नमस्ते समधी जी। नमस्ते। नमस्ते समधी जी। प्रणाम अंकल। खुश रहो। प्रणाम आंटी। ठीक है। अरे बेटा मम्मी जी बोलो, ये तो होने वाली मम्मी जी है ना तुम्हारी, ऐसा कहने से अपनापन बढ़ता है, प्यार बढ़ता है। ओ यस मम्मी जी। ठीक है ठीक है, खुश रहो, आइए बैठिए आप लोग। चल आइए। अचानक कैसे आना? अरे भाभी जी, आज हमारी चंचल बेटी तो बस इसीलिए आए थे, आशीर्वाद दीजिए ना इसे। खुश रहो खुश रहो। आप लोग क्या लेंगे? ओ आंटी, मैं बनाना शेक लूंगी। अरे बेटा अभी तो हम आए हैं, अभी तो आराम से बैठेंगे, खाना पीना तो होते रहेगा। हाँ हाँ ठीक कहा तुमने भाभी जी, खाना बाद में खा लेंगे। हा? चौधरी साहब, आप अभी भी नाराज हैं क्या? आपने जो कहा उससे ये क्या, मैं भी आपसे बहुत नाराज हूं। आपने मेरे देवर जी के लिए ऐसे शब्द मुंह से निकाले कैसे? शेखर के बारे में आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? जी ये तो कुछ भी कहते हैं, ये थोड़े ना बुरा चाहते हैं आपके परिवार का।
मिट्टी डाली ना इस सब बातों पर भाभी जी, आप भी ना। ये कोई मामूली बात नहीं है जिस पर मिट्टी डाली जाए कामिनी जी। शेखर इनका सगा छोटा भाई है, दोनों की रगों में एक ही खून बह रहा है और आप उसे ही गाजर